नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी की टीम को 5-4 से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। भारत ने आखिरी बार 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था और आज 41 साल बाद भारत ने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। इस मैच में भारत के लिए कई हीरो रहे, जिसमें गोलकीपर पीआर श्रीजेश और सिमरनजीत सिंह का नाम शामिल है। यूं तो पूरी ही भारतीय टीम ने आज अच्छा खेल दिखाया, मगर इस मैच का कोई एक हीरो चुना जाए तो वो होंगे पीआर श्रीजेश, क्योंकि उनकी गोलकीपिंग के बदौलत आज भारत ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। बात करें आज के मैच की तो आज भारत ने जर्मनी को इस मैच में जीतने के लिए कई मौके दिए और ये मौका जर्मनी की टीम को पेनल्टी कॉर्नर से मिला। बता दें कि इस मैच में जर्मनी को 12 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, जिसमें वो सिर्फ एक पेनल्टी कॉर्नर को ही गोल में तब्दील कर पाए, जो उन्होंने मैच के 48वें मिनट में लगाया था। इस मैच में जर्मनी को आखिरी 6 सेकंड्स में पेनल्टी कॉर्नर मिला था, मगर भारत के लिए दीवार बनकर खड़े श्रीजेश ने आखिरी गोल भी रोककर भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में इतिहास में दर्ज कर दिया है। अगर आज श्रीजेश आखिरी सेकंड में गोल ना रोकते तो मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में जाता और आज मैच का नतीजा कुछ भी हो सकता था, लेकिन आज उन्होंने अपने अनुभव का अच्छा इस्तेमाल करते हुए भारत की जीत का एक अहम हिस्सा बने। श्रीजेश ने 12 में से 11 पेनल्टी कॉर्नर को रोका और बस एक पेनल्टी कॉर्नर उनके हाथ से निकल गया। बता दें कि ये ओलंपिक श्रीजेश के लिए आखिरी ओलंपिक भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने आखिरी मैच में अपना पूरा दम दिखाया। भले ही आज भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, मगर ये दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनकर रह गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।